हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्वेस्टर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्थ। तो अभी राइट नाउ मैं एक काम लेके बैठी हूँ। आज वैसे तो सब कुछ हो चुका, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, बस कन्नू के लिए पराठा एक बनाना है मुझे। और अभी यहाँ पे मैं कुछ ताम झाम लेके बैठी हूँ। ये देखो मुझे आज क्या करना है, बहुत सारा जो राशन हम लाते हैं और स्टोर कर देते हैं, कई बार वो रखा रखा ही ना, मतलब जो बहुत नीचे चीज़ें दब जाती हैं, वो रखे रखे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए आज मैंने सोचा क्यों ना एक काम करूँ, सबसे पहले मैं सारे सामान की एक लिस्ट बनाती हूँ। पता नहीं ऐसे मुझे को आइडिया लगा कि क्यों ना ऐसे किया जाए, इसे क्या होगा ना, सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाती हूँ और वो लिस्ट मैं अपने पास रखूँगी, जिससे मुझे ये होगा कि कोई एक मील प्लान कर लूँ, मतलब एक दो हफ्ते का, जिसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें यूज़ होती रहेंगी। क्योंकि हम मंगा तो लेते हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं करते, मतलब सोचते ही नहीं, और रखे रखे भी भूल जाते हैं और चीज़ ख़राब भी हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा रही हूँ कि कम से कम चीज़ें इस्तेमाल हो जाए और फेंकनी ना पड़े। और ये फेंकने के चक्कर में ना मैं अपने हस्बैंड से बहुत डांट खाती हूँ, क्योंकि उनको मतलब वो जब भी कोई चीज़ मैं मंगाती हूँ ना, वो हमेशा बोल देते हैं कुछ बनाओगे या ये फेंकेगी, या फिर वो डायरेक्ट बोलते हैं ये कौन सी डेट में फेंकनी है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ें फेंके ना और सारी चीज़ें यूज़ हो। तो अभी मैं उसकी लिस्ट बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे मैं सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं उसके साथ साथ में एक पेन और मैंने डायरी रखी हुई है, साथ साथ में लिस्ट बनाती रहूँगी। तो फर्स्ट आई हैव दिस सफोला, और ये तो अभी पैक्ड है और एक खुला हुआ है ऑलरेडी, बट मैं एक जगह लिख लेती हूँ कि मेरे पास एक स्पेयर है। तो जो लिस्ट है मैं ऐसे बना रही हूँ, जैसे एक साइड है अनओपन, जो भी चीज़ें खुली नहीं है अब तक, बिल्कुल फ्रेश हैं, और एक है जो यूज्ड की कैटेगरी में आ गई है, जिनमें हम मैक्सिमम यूज़ कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ही बचा है। जैसे अब देखो, अब बेसन मेरे पास है और सीरियसली आई स्वेयर जो मेरे पास रखा था अभी किचन में वो ख़त्म हो गया था, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे बाजार से बेसन मंगाना है, जबकि मेरे पास है। यही दिक्कत होती है मेरे साथ, मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ। हे भगवान, मुझे मेरी थोड़ी मेमोरी शार्प कर दो यार, कोई नुस्खा बताना यार मेमोरी शार्प करने के लिए। ओके, चना दाल ख़त्म हो गई थी, इसी की वजह से ये सारा आज खुला है, क्योंकि चना दाल नहीं थी मेरे पास और मैं सोची थी कि मैं मंगाऊँ या एक बार चेक करूँ, और चेक करना सही रहा। ये है जीरा, जीरा भी ख़त्म हो गया, इसको भी निकाल लेती हूँ। सरसों का तेल एक रखा था और हमें पता ही नहीं था, हमें एक ले आए और वो यूज़ हो रहा है। और कुछ चीज़ें इस तरह से आ जाती हैं कि उसके यूज़ होने का टाइम ही नहीं आता। इतनी सारी मेथी रखी है, ये मेथी है इतनी सारी, साबुत धनिया, और ये मैं लेकर आई थी, आज तक यूज़ नहीं करा मैंने, लेकर मैं बहुत जल्दी आई थी भाग के। ये रोज़ पेटल्स हैं जो खाने में थोड़ा गार्निशिंग के लिए डलती है ना, फ्लेवर के लिए, हल्का सा गार्निशिंग के लिए रोज़ पेटल्स। लाल मिर्च मेरे पास रखी है और मैं कह रही ख़त्म हो गई। अब मुझे इसको ना एक बार सारे मसालों को धूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना मुझे छोटी छोटी सुरहरी दिखाई दे रही हैं, सुरहरी होती है ना आटे में जो हो जाती हैं, वो हो रही हैं, सब में धूप लगेगी मसालों में। उड़द दाल, गुड़, गुड़ भी ख़त्म हो गया, तो हम सोच रहे थे लाने की, जबकि गुड़ हमारे पास रखा है। सीरियसली एक बार चेक करना कितना ज़रूरी होता है। रिफाइंड, आई थॉट रिफाइंड इज फिनिश, रिफाइंड भी रखा है। नमक, अलसी मंगाई थी, अलसी अब तक यूज़ भी नहीं करी, और जबकि खुल के भी रखी हुई है, अब तक यूज़ भी नहीं हुई। पुराना गुड़ ज़रूर रखती हूँ अपने पास, पुराना गुड़ बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, और अगर आप जैसे लेके और उसको रख लें, स्टोर कर लें, ख़राब नहीं होता गुड़, लेकिन खाने के लिए नहीं। जैसे कभी भी कोई अंदरूनी चोट होती है ना, जैसे जो अंदर की मसल्स हैं उनमें कोई चोट लग जाती है,
इस तरह की कोई चोट होती है ना, अंदरूनी होती है, जिसमें हम बाम लगाते रहते हैं, गर्म पट्टी बांधते हैं, एक पर्टिकुलर जगह अगर पता हो कि हाँ यहाँ चोट लगी है, तो ऐसे बोलते हैं कि कच्ची पक्की रोटी और उस पर पुराना गुड़, हल्दी और तेल, ये चीज़ लगा लो, बहुत आराम पड़ता है। और ये हमारा मतलब ट्राई किया हुआ नुस्खा है, ट्राई किया हुआ, और एक्चुअली ये बहुत फायदेमंद होता है। अब दूसरे कंटेनर की बारी, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड कंटेनर, जो कि पूरा भरा पड़ा है, सॉलिड भरा पड़ा है, मतलब ये देखो मिक्सचर के पैकेट। ये मिक्सचर है जो व्रत में खाए जाते हैं, मुझे नहीं खाने। ये है अरहर दाल, ये भी खत्म हो गई है, इसको भी निकाल लेती हूँ। और मूंग दाल, इसको भी निकाल लेती हूँ। पोहा, ये है काले चने, काले चने भी निकाल लेती हूँ। ये है राजमा, और ये है बूंदी, है उड़द दाल, उड़द दाल, राजमा, बूंदी, मूंग दाल खिचड़ी वाली, इसको निकाल लेते हैं। मटर, सही में यार घर की लेडीज को इतना कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, इतना कुछ छोटी छोटी चीजें, चिटर पिटर, ये वो, पता नहीं क्या क्या। अब मैंने कुछ चीजें निकाल ली हैं, मैक्सिमम चीजें निकाल ली, अब इसको सेट कर दूंगी। और बाकी मैं चाह रही हूँ कि ये डब्बे खाली हो जाए, क्योंकि बहुत सारा केओस हो जाता है इकट्ठा भर भर के रखो, तो मैं चाह रही हूँ दो तीन चीजों में ही चीजें सिमट जाए, और जिसकी जरूरत हो वही लाओ। खेल रहा है कनु, पढ़ाई करोगे कनिश, पढ़ाई करें? नहीं। इसकी पढ़ाई को नजर लग गई, अच्छा वाला पढ़ता था, पढ़ना ही छोड़ दिया। कोई नहीं, छोटा है अभी, क्या फोर्स करूं, पढ़ लेगा यार, जिंदगी भर पढ़ना ही है बच्चों ने, अभी से क्यों फोर्स करना उन्हें। और पता है पढ़ाई के लिए बच्चों पे जितना प्रेशर डालोगे ना, बच्चे उतने ही बेकार होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा पढ़ाई एक बोझ है, एक बर्डन है, और हमें बर्डन नहीं बनाना पढ़ाई को, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा आधा काम ख़त्म, क्योंकि आधा अभी रहता है, जो कि मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन बाय बाय।